हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी मटेरियल्स में। आज हम अपने इस वीडियो में उन राज्यों की बात करेंगे जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं। भारत देश के वह राज्य जिनकी सीमाएं जो है भारत के तटवर्ती देशों के साथ में लगती हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो अगर मैं बात करूँ कि कितने देश हैं जिनकी सीमाएँ जो है भारत के साथ में लगती हैं, तो उनकी कुल संख्या 7 है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लंबी जो है ये सीमा है। सबसे बड़ी जैसा कि हम जानते हैं बांग्लादेश के साथ में, जो 4,096 किलोमीटर के आसपास है। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटी सीमा की तो वो है अफगानिस्तान के साथ में, वो 80 यानी कि 80 किलोमीटर के आसपास। अब हम देखते हैं इस वीडियो में जो है उस ट्रिक के बारे में जो कि बताता है किस तरीके से दो स्टेट्स हैं वो टच कर रहे हैं अदर कंट्रीज के बॉर्डर को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राज्य और उनसे जुड़े जो एक से अधिक देश हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है जम्मू, सबसे पहला जो है वो है जम्मू, जम्मू और कश्मीर। तो इसमें इससे जुड़ा जो सटे जो अगर मैं देशों की बात करूँ तो है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, उसके बाद है चाइना। तो ये तीन जो हैं उसमें दिया हुआ है कि जुड़े हुए हैं। अगर मैं ट्रिक देखूं इसकी कि याद करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि जम्बू फल खाके चीन ताने मार रहा है, जम्बू फल खाके चीन ताने मार रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जम्बू से जो है सबसे पहले जो स्टेट्स हैं स्टेट है उसकी बात करेंगे यानी जम्मू कश्मीर की। सेकेंड पे जो है अगर मैं चीन शब्द की बात करूं कि चीन जो है वो ताने मार रहा है, तो जम्मू कश्मीर से जो सटा हुआ जो देश है वो है चीन पहला। अगर मैं ताने शब्द देखूं तान, तो अगर मैं देखूं कि इन सातों कंट्रीज में दो ही तान हैं जो कि भारत के बॉर्डर से लगते हैं, उसमें एक पहला है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। तो ताने से ये दो ही देश निकल के आ रहे हैं, तो हम ये दो देश जो है इसमें जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ में जो है रखते हैं यानी कि ताने से या तान से जो है दो निकल गया, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक चीन, ये तीन जो देश हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले राज्य पर, ये है सिक्किम। सिक्किम का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ में है, भूटान और चीन के साथ में, यानी कि तीन देशों के साथ में जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इसके ट्रिक के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिने भूटानी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि अब तो भूटान में सिनेमा हॉल हो गया है, पहले पढ़ते थे कि कौन से ऐसा जो कंट्री है जहां पे एक भी सिनेमा घर नहीं है, तो हम लोग बोलते थे कि हाँ वो भूटान कंट्री है। अब हम लोग सिने, वही सिनेमा से सिने है और सिने भूटानी, तो इससे हमको याद रहेगा कि सिने भूटानी जो है शब्द भूटान के लिए या उसके रिस्पेक्ट में हम जो है बात कर रहे हैं भूटान के रिस्पेक्ट में। और फिर यहाँ पे देखेंगे हम जो पहला इसका वर्ड है स्ट्रिक्ट में से सी से हमारा निकल के आ रहा है सिक्किम, ने से निकल के आ रहा है, ये सिक्किम हो गया राज्य। और इसमें जो देश है वो है नेपाल, दूसरा जो है भूटा से अगर मैं बात करूं तो भूटान निकल के आ रहा है, और अगर नी से मैं बात करूं तो ये चीन जो है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये नी से जो है वो चीन निकल के आ रहा है भूटान, और ये फिर चीन निकल के आ रहा है। तो सिने भूटानी से जो है सिक्किम से जुड़े हम देशों के बारे में जान पाएंगे। तो जैसा कि नेपाल है, भूटान है और चीन है। हम देखते हैं अपने अगले राज्य के बारे में, यहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल। इससे जो जुड़े देश हैं वो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो अगर मैं इसके ट्रिक के बारे में देखूं तो इसमें लिखा हुआ है पंडित ने भू बांटा, एक तरीके से कह सकते हैं कि भू मतलब वही भूमि या जमीन बांटा, तो उसे याद रख सकते हैं कि पंडित ने जो है वो भू बांटा। तो पंडित से पंडित या पा जो वर्ड है उससे निकल के आएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगर मैं भू देखूं तो भू से सीधा सीधा भूटान निकल के आ रहा है, और बांटा से आपका बांग्लादेश जो है वो सामने निकल के आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के लिए हो गया आपका कि पंडित ने भू बांटा, यानी कि उसमें नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, ये तीन देश जो है वो शामिल होते हैं। आते हैं हम अगले स्टेट पर, इसमें है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को हम देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है हमारे भारत का, अगर मैप देखें तो उसमें जो पहला जो देश है वो है भूटान, दूसरा चीन है और तीसरा जो है वो है म्यांमार, यानी कि तीन जो कंट्रीज हैं वो जो है बाउंड्री बनाती हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ में। इसका जो ट्रिक है, जो याद करने का जो तरीका है,
वह माँ के आंचल में भूटान और चीन बसे हैं। ये याद रखना पड़ेगा कि माँ के आंचल में जो है वो भूटान और चीन बसे हैं। तो माँ से हमारा ये म्यांमार आ जाएगा कि ये म्यांमार जो है वो एक देश है। आंचल से हम अरुणाचल प्रदेश याद रख सकते हैं, जैसा कि हमको पता है अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ का स्टेट है। तो बाकी जो रेस्ट चीजें इस ट्रिक में बचेंगी वो देश होंगी। तो आंचल से अरुणाचल प्रदेश हो गया और माँ से म्यांमार हो गया, और बाकी भूटान और चीन तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो माँ के आंचल में भूटान और चीन बसे हैं। आते हैं हम अपने अगले राज्य पर, इसमें है उत्तराखंड। हम अगर उत्तराखंड की स्थिति देखें तो हम देखते हैं मैप में ये नॉर्थ, अगर भारत का पॉलिटिकल मैप देखें तो ये नॉर्थ में पड़ेगा जो है। तो सिंपली जो है इसमें अगर मैं देशों की बात करूं तो एक चीन ही है और दूसरा नेपाल है। एक चीन और दूसरा नेपाल, यही जो देश है ये नॉर्थ में उत्तराखंड के पड़ते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वेस्ट वाली बात हो जाएगी, अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो वो नॉर्थ वेस्ट वाली बात हो जाएगी, और बाकी जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, वो हमारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की तरफ पड़ेंगे। तो दो ही देश है यानी कि चीन और नेपाल जो कि उत्तराखंड के हमारे नॉर्थ में पड़ेंगे। तो इससे ये दो स्टेट्स जो दो हमारे जो कंट्रीज हैं उनको हम इजिली जो है याद कर सकते हैं। आते हैं अगले स्टेट पर, इसमें है आसाम। आसाम से जो बाउंड्रीज बनाती हैं कंट्रीज, वो है बांग्लादेश और दूसरा है भूटान। ये केवल दो कंट्रीज है जो बाउंड्री बनाती है। तो इसमें जो ट्रिक दिया हुआ है वो आसाम देश को मैं देशाटन पर गया, यानी आसाम जो देश है को मैं देशाटन पर गया। तो इससे जो है आसाम सीधा सीधा आसाम आ गया, और मैंने देश लिखा है इसको। यहाँ पर एक आसाम स्टेट है लेकिन आप याद कर सकते हैं इसको अपने उसमें कि हाँ ठीक है मैं एक देश गया, एक प्रदेश गया, कुछ बोल सकते हैं। तो आसाम जो है केवल इस ट्रिक के लिए आप यहाँ पे बोलेंगे आसाम जो है देश को मैं देशाटन पर गया। तो आसाम यहाँ पर जो आसाम जो है वो देश हो गया, और देशाटन की अगर मैं बात करूँ तो देशाटन में जो देश है वो बांग्लादेश को बता रहा है, और देशाटन तो जो टन करके है वो भूटान को बता रहा है। सीधा सीधा जो देश है वो बांग्लादेश को बता रहा है इसमें, और जो देशाटन है वो आपका जो है भूटान को बता रहा है। तो आसाम हो गया स्टेट, देश से मेरा बांग्लादेश निकल के आया, देशाटन से निकल के आया भूटान। आते हैं हम अपने अगले राज्य पर, इसमें दिया हुआ है मिजोरम, जो अंतिम राज्य होगा। इसमें पहला है म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश। तो इसमें जो ट्रिक है वो देखते हैं मियां बंगाली, ये केवल दो शब्द जो है, एक है मियां और दूसरा है बंगाली। तो यहां पर हम देखेंगे मी जो पहला मी, माँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें मिजोरम, मी से मिजोरम निकल के आएगा, फिर यहाँ से आपका म्यांमार निकल के आएगा। तो मिजोरम जो हो गया स्टेट हो गया, म्यांमार कंट्री हो गई, और बंगाली से अगर मैं बात करूँ तो मेरा बांग्लादेश निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार अगर मैं मिजोरम की बात कर रहा हूँ तो मियाँ बंगाली, इससे जो है हम मिजोरम से सटे जो देश हैं उनके बारे में जो है जान पाए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।